IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल IBN 7 हौसला है। अरविंद केजरीवाल की सरकार का आज पहला दिन था। केजरीवाल ने अपने कैबिनेट की पहली बैठक की और इसी के साथ उन वादों को पूरा करने की कोशिशों का भी दौर शुरू हुआ जो आम आदमी पार्टी ने चुनावों में किए थे। वित्त और बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि प्रस्ताव दें वो कि कैसे चुनावी वादों को पूरा किया जाएगा। और दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बनी आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली और पानी पर किए वादों को पूरा करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद वित्त और बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो बिजली के दाम आधा करने और 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने के लिए प्रस्ताव तैयार करें। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में दिल्ली से 70 वादे किए थे, उनमें से बिजली पानी से जुड़े ये बेहद अहम वादे थे। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने आज अपनी कैबिनेट की पहली बैठक के बाद ही ये फरमान जारी कर दिया। उन्होंने आला अफसरों से साफ कह दिया कि जब तक CAG से बिजली कंपनियों की ऑडिटिंग नहीं पूरी होती तब तक के लिए बिजली के बिल कैसे आधे किए जाएं इसकी रूपरेखा तुरंत तैयार की जाए। इसके अलावा हर घर में हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी भी दिया जाना है, उसके लिए भी बाकायदा एक योजना तैयार की जाए। कैबिनेट की बैठक में ही नए विधायकों के शपथ के लिए 23-24 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र बुलाने का भी फैसला लिया गया।